नमस्कार दोस्तों पॉलिटी से जुड़े इम्पोर्टेंट जजमेंट्स की इस सीरीज में मैं शगुन आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट की जो जुड़ी है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013 की क्या आप जानते हैं कि इलेक्शंस में क्लीन रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स की तुलना में उन पर्सन के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं तो आइए देखते हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट एडवोकेट ऑफ आर कंट्री लिली थॉमस ने पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को रिड्यूस करने में कैसे कंट्रीब्यूट किया दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि स्टडी आईक्यू एक नया कैंपेन अब तैयारी हुई अफोर्डेबल लॉन्च कर रहा है सभी कोसेस स्पेशल प्राइजेस पर डबल वैलिडिटी के साथ स्टडी आईक्यू ऐप पर अवेलेबल हैं दोस्तों ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है दैट इज रनिंग फ्रॉम 18th मई टू 20th मई 2022 आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं शगुन फ्लैश। अफोर्डेबल एजुकेशन बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स टीचिंग यूपीएससी इन अ कॉम्प्रिहेंसिव manner प्री एंड मेंस बोथ कवर्ड इन डिटेल्स और साथ ही सिलेबस के सभी पोर्शन के लिए Videos, PPTs, MCQs के साथ Your Dream of An, SDM, SP और सिविल सर्वेंट बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों लिली थॉमस ने सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के सब सेक्शन 4 को चैलेंज किया दिए गए प्रोविजंस में यह कहा गया था कि अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कोर्ट कॉन्विक्ट कर देता है यानी कि वो किसी क्राइम के लिए गिल्टी पाए जाते हैं तब भी थ्री मंथ्स तक उस मेंबर को डिस्कॉलीफाई नहीं किया जा सकता और वो इलेक्शन लड़ सकता है साथ ही साथ अगर वे मेंबर इस दौरान रिविजन एप्लीकेशन फाइल कर देता है तो उस अपील का फाइनल डिसीजन आने तक उसका डिसक्वालीफिकेशन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ने टेंथ जुलाई 2013 को अपनी जजमेंट में कहा कि ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 क्लॉज़ 1 और आर्टिकल 191 क्लॉज़ 1 जो कि सर्टेन ग्राउंड्स पर रिस्पेक्टिवली एमपी और एमएलए की डिस्कालीफिकेशन की बात करते हैं उनको वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हंड्रेड क्लॉज वन सब क्लॉज ई ये कहता है कि अगर एक पर्सन पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी लॉ के अंडर डिस्कालीफाई हो जाता है तो वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट के लिए चूज होने से या एमपी की पोस्ट से डिस्कालीफाई हो जाएगा ठीक इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 191 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ये कहता है कि अगर एक पर्सन पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ के अंडर डिस्कालीफाई हो जाता है तो वे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की पोस्ट के लिए चूज़ होने से यानी एमएलए और एमएलसी की पोस्ट से डिस्कवालीफाई हो जाएगा इन आर्टिकल्स में सिर्फ उन एम एमएलएज और एम की बात नहीं की गई है जो इलेक्ट हो चुके हैं बल्कि उनको भी शामिल किया गया है जो इन पोस्ट पर इलेक्शन फाइट करने के लिए नामिनेशन फॉर्म्स भर रहे हैं साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये प्रोविजन आर्टिकल फोर्टीन में, में राइट टू इक्वालिटी को करते हैं और जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट के पास रोपा के सेक्शन एट सब सेक्शन फोर को इनैक्ट करने की पार नहीं है एंड अकॉर्डिंगली सब सेक्शन फोर ऑफ सेक्शन एट ऑफ द एक्ट इज अल्ट्रा दल्ट्रा द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि वो एम पीज और एम जिन्हें किसी क्राइम के लिए कॉन्विक्ट किया गया है और जिन्हें मिनिमम टू इयर्स ऑफ जेल का सेंटेंस दिया गया है उनको इमीडिएट इफेक्ट से डिस्कालीफाई कर दिया जाएगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे इस केस ने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रिड्यूस करने में कंट्रीब्यूट किया उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो यूजफुल लगी होगी क्वालिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफ में समझने के लिए जुड़े रहिए स्टडी आई क्यू एजुकेशन से थैंक यू फॉर वॉचिंग